क्या कहना चाहेंगे रत्नाकर जी, आपके साथ में इस बार बॉडी में हैं तो किस क्या बताना चाहेंगे? इस बार हम लोग की बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप बनी है, कोई हम लोग को हरा नहीं सकता, और 15 सालों के बाद इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सब कुछ साथ दे रहे हैं। इस बार हम लोग बड़े से बड़े काम सारे प्रोड्यूसर्स के लिए करेंगे, जो कि कोई भी गरीब प्रोड्यूसर हो, कोई भी वीक प्रोड्यूसर हो, ताकि इस संस्था से काफ़ी खुश रहेगा। जैसे कि अभी मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि पैंडमिक के टाइम पे ना प्रोड्यूसर उनको तकलीफें थी, तो उन तकलीफों का निवारण नहीं हो पाया इम्पा के तरफ से, तो क्या आपके द्वारा ऐसा कुछ मिला था, राशि मिला था इम्पा से सभी प्रोड्यूसर्स को, और सारे ग्रुप ने मिलकर डिसाइड किया था, लेकिन बट जो मिलना चाहिए नहीं मिला था, सब कमेटी की डिसाइड थी, अध्यक्ष की डिसाइड थी। अब हम लोग की नई ग्रुप आएगी, कभी कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कुछ होगा तो सारे लोग उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर हैं आज के दिन में, तो कुछ अपने पास से भी हम लोग मदद करेंगे। मल्टीप्लेक्स के बारे में आप कुछ कर पाएंगे? मल्टीप्लेक्स के लिए गुजरात में कल चीफ मिनिस्टर से हम लोग की मीटिंग हो गई है, जितने भी सिंगल स्क्रीन है उसमें ही लोग गुजराती फिल्म चलती है, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी मल्टीप्लेक्स है उसमें 100 प्रीमियम था, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में और साउथ में चल रहा है, तो उस तरह यहाँ भी लगे, बिहार में, यूपी में और गुजरात में लगे। जिस तरीके का कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्में पारिवारिक तौर पर या परिवार के साथ बैठ के नहीं देखी जाती, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं वे अच्छी और पारिवारिक फिल्म बनाती है, जो लोग उस जगह से नहीं है, भोजपुरी जो लोग साउथ से आ गए, कुछ लोग पंजाब से आ गए, तो वे लोग उस तरह की फिल्म बनाते हैं, सोचते हैं कि वल्गर भी बनाने में फ़ायदा है, ऐसा कुछ भी, पारिवारिक फिल्म बनाइए, भोजपुरी का पारिवारिक फिल्म, वहाँ की मिट्टी का खुशबू दीजिए, वहाँ की ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उस पर बनाइए, पिक्चर चलेगी। क्या कहना चाहेंगे सर अभी जी के बारे में? एक बदलाव है, अब इंडस्ट्री जो है एक अलग मोड़ पे जा रही है, और पूरी जो जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसका इलेक्शन है, तो लोगों से यही अपील है कि पहले एक हो, क्योंकि जो 15 सालों में आपको नहीं दिखेगा वो अब दिखेगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, और जो भोजपुरी की एक इंडस्ट्री है, जो उनके प्रॉब्लम 15 सालों में सॉल्व नहीं किए गए वो चीज़ को अब लेके आएंगे, है ना, क्योंकि जो चीज़ें नहीं हुई उसी के लिए इतना बड़ा जो एक जो ग्रुप बना है वो उसी के लिए बना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए इन इतने सालों में इम्पा में, वो अब देखने को मिलेगा। और एक इंडस्ट्री बहुत डेवलप की है इस लास्ट 3-4-5 सालों में, इन्होंने जो इंडस्ट्री को लेके गए वो किसी को बोल करके नहीं किया, इन्होंने डेवलपमेंट की है, तो ये इंडिविजुअली किया है, जो हम लोगों ने किया वो सब लोगों ने इंडिविजुअली किया, बट उस चीज़ का असर जो है वो इम्पा जो ग्रुप है उसमें उनको नहीं दिखता है। तो उसकी वजह से इस बार जो इलेक्शन का जो प्लान किया गया इसमें कि सब पहले एक तरफ हों और उसको एक अच्छे तरीके से प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करें कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि सॉल्व करने वाला है नहीं कोई अभी तक, तो ये सब जो तकलीफें थी उनको उसको दूर करने के लिए सब लोग एक साथ ही जुड़े हैं। तो अभय जी, आपको लगता है कि अभय जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्री को इन्होंने इंडिविजुअली आगे लेके गए, किसी के हेल्प की वजह से नहीं लेके गए, या कोई बोलता है वो उसकी वजह से नहीं लेके जाते, या हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी के बोलने से नहीं करते, किसी इम्पा ने आज तक हम लोगों को कोई हेल्प नहीं किया, तो अब कोई भी अगर प्रेसिडेंट अगर बनते हैं, अगर ये क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड करता है, आप अगर प्रेसिडेंट नहीं हैं वो चीज़ को समझना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री का आदमी जो बिजनेस को आज इतने ऊंचाइयों पे लेके गया है, अगर वो बनता है तो वो एक अच्छी चीज़ को लेके आएगा, उन जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा। आप ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जिसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का, तो एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो प्रोड्यूसर्स में बने और उनकी एक कैपेबिलिटी है, 400-500 फिल्में जो लोग के नज़रियों से गुजरा है, तो कुछ तो बात होगी, है ना। आज हर एक आदमी जो चाहता है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा आप कैसे चलाओगे आप, तो उसके लिए बदलाव है, वो चीज़ अब जो है इम्पा में एक बदलाव आएगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो टीपी जी ने इतने सालों में आप कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, किसी को हेल्प नहीं हुआ, जो प्रोड्यूसर्स को चाहिए था कि डेवलपमेंट हो, उन्होंने जो काम किया वो उनका हम जिक्र नहीं करते, हम क्या करने वाले हैं उसकी बात करेंगे, जो हम सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट जो नई नई चीज़ प्रोड्यूसर्स के जो हेल्प होंगे वो हम लोग लेके आ रहे हैं, बड़े नए नए चीज़ों हैं और सब लोग एक्सपीरियंस आदमी हैं, इस बार जो जुड़े हैं वो सब काम करने वाले लोग हैं, जिसने कम से कम 50-100 पिक्चर बना दिया उन्होंने, तो वो चीज़ें हैं।
तो सर आगे की कैसी प्लानिंग रही किस विषय में? आगे हम लोग बहुत लंबा चीज़ सोचे हुए हैं, आपको थोड़ा देर पहले बताया भी मैंने। और टीपी जी 16 साल रहे, उन्होंने काम किया, लेकिन बट काम करने के लिए पूरी एक टीम होती है। उनके टीम में बहुत सारे स्लो लोग थे जिसके कारण नहीं हो पाता था। टीपी जी दिल्ली रहते थे 15 दिन बॉम्बे रहते थे, तो जिसके कारण उतना जो एसोसिएशन पे ध्यान देना चाहिए नहीं दे पाए, और उनके टीम में उतने लोग नहीं थे जोश वाले जो कि काम कर पाए। तो अभी इस पर हम लोग जो भी टीम लेके आ रहे हैं सब रनिंग प्रोड्यूसर हैं, सब रनिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो इम्पा की तरफ से कुछ ऐसी सहूलियत हो सकती है जैसे आप लंदन दूसरे देशों में फिल्में बनाते हैं तो उनको किस तरीके से आपके द्वारा? इम्पा में अभी हम लोगों ने अनाउंस किया गुजरात में कि गुजरात में फर्स्ट इंटरनेशनल गुजराती अवार्ड हम लोग दुबई में करेंगे नवंबर में। 25 नवंबर को हमने टाइम भी अनाउंस कर दिया गया, हमारी टीम आती है तो करेंगे। बाकी अगर वहाँ सक्सेस हो जाता है तो हर स्टेट का हम लोग इंटरनेशनल अवार्ड इम्पा के द्वारा इम्पा के नाम से ही करेंगे। प्रोड्यूसर को सहूलियती मिलेगी, बहुत सहूलियती मिलेगा, क्योंकि हम लोग पेन जानते हैं प्रोड्यूसर्स एज ए प्रोड्यूसर्स कि उनके उनके पेन क्या है, जो उनकी सहूलियती क्या है। तो वो बहुत ईजिली होगा, बहुत ईजिली होगा, क्योंकि समझ ही आना चाहिए ना कि प्रोड्यूसर्स जो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को आप समझ लो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। बट अभी एक भी प्रॉब्लम अभी तक तो सॉल्व हुए नहीं है जो अभी जितने उनके कार्यकालों में जो हुआ है, तो वो अब बदलाव दिखेगा, है ना। बदलाव इसलिए दिख रहा है क्योंकि सारे प्रोड्यूसर अब जो है वो एकजुट हो गए हैं और वो इस बार बदलाव लाएंगे, बस यही उम्मीद है कि अच्छा हो और प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा हो। थैंक यू। सर जी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे।